ये हमारे जी छोटे नन्हे जो है ना सब्सक्राइबर हैं, ये स्कूल से अभी वापस आ रहे हैं और ये कोई ये अपना प्लान कुछ बता रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो भाई स्कूल के इवेंट पे? लेक भी जा रहे हो? हाँ। अच्छा, और ये छोटू भी जाएगा कोई नहीं? ये तो नहीं जाएगा इसका, क्योंकि पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो आज फिर फ्राइडे था, जल्दी अब हो गए फ्री स्कूल से। तो फाइनल कब आ रहे हैं एग्जाम? फाइनल 26 को हमारा पहला है, मार्च में खत्म होने। मार्च के बाद फिर आप नई क्लासेस में जाओगे हैं, रिजल्ट जब आएगा। माशाल्लाह, देखें जी बच्चे छोटे हैं और इनके बैग देखें कितने हैवी हैं, इनकी हिम्मत है बेचारे उठाते हैं। उस बेचारे छोटे से तो उठाया नहीं जा रहा था। अब्दुल रहमान का इतना हैवी है इसका बैग। चलो बस भाई व्लॉग बन गई। बैग उठा सकता हूं। ये है ना जनाब, उठाया हुआ है माशाल्लाह, वो देखें। ये जो है ना पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये देखें, वाह जी वाह। स्कूल में मजा आता है? कोई नहीं आता, आता है, आता है, एंजॉय लगता है। ये सारे जनाब हसीब के फ्रेंड भी हैं। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। और आज का व्लॉग दोबारा से घर की रूटीन है जो बच्चों के साथ है। देखे जरा बच्चे मेरे कैसे बैठे हुए, बड़े शरीफ बन के इनको मैंने कहा बैठे हैं, गपशप लगाते हैं। तो यहाँ पर घर की रूटीन स्टार्ट करने लगे हैं जी, अभी शुरू की है, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, नमाज जोर की पढ़ चुकी हूँ। तो चले आगे चल के देखते हैं, मिलते हैं बच्चों से। नया जी कोई सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नया? ठीक हूँ। और हजीब की तरफ लेके जाएं? बैठे रहो, बैठे आप बैठे रहो, प्लीज बैठो ना, पहले बात कर लो ना, इसको तो चैन ही नहीं है ना। उधर सलाम करो पहले, शाबाश गुड बॉय, बैठेगा अभी देखना। हजीब सबसे अच्छा सलाम करता है यार, सलाम करो। क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे? हाँ कैसे हो सीब? अच्छा, अच्छे हो? मूड खराब। किधर जा रहे हो, सोने जा रहे हो? हाँ। नींद आई है? नहीं, मूड है। कोई बात नहीं। अच्छा नया आप सुनाएं। ठीक हूँ। बड़े दुपट्टे छट्टे बड़े चमकने वाले करके बैठी है, बड़े हैं फैंसी हो, फैंसी दुपट्टे करके बैठी हो। ठीक हो? ठीक हो। नाश्ता कर लिया था? हाँ कर लिया ना। और ठीक हो? फिट हो? फिट है। जरा आप ही का नहीं पूछा? जरा आप ही का नहीं पूछा, काम करो जरा आप ही को। अस्सलाम वालेकुम, सब सारी आपियों को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे जी ये आज गए हुए थे पिंडी और ये सामान कुछ मैंने अपना मंगवाया है, ये हेयर कलर है। और ये है शैम्पू और वो कंडीशनर और हेयर मास्क है ये वाला, और ये इनका डेवलपर, ये उनके डब्बे हैं, उनको ऐसे निकाल कर वो जो है ना मैंने बाय रखा है इसलिए। ये इसमें ना आर्गन ऑयल भी है, आर्गन ऑयल, और ये शैम्पू है इसमें आर्गन ऑयल है, आर्गन ऑयल मैं बहुत यूज़ किया है यूके से लेके आती थी, इसमें भी आर्गन ऑयल है ये देखें, और ये बना हुआ है यूके का ही है, और बड़े अच्छे हैं ये ना, तो बालों के लिए ना, अगर बाल आपके गिर भी रहे हैं ना तो वो भी रुक जाएंगे और बहुत सॉफ्ट कर देते हैं बालों को। और ये है एक बेस जो मैंने मंगवाई है, एक और चीज़ तो बदल में कुदर गई है, और ये पिन्ने मंगवाई हैं, ये शॉपिंग थी कल की इनकी जी, ये गए हैं। ये टोटल चीज़ें मेरे घर में 13-14 हज़ार की आई हैं। हाँ 13-14 हज़ार के ये टोटल चीज़ें हैं, बल चले ये जो है ना 2-3 महीने मेरे निकलेंगे ना, ये मैं अपने लिए मंगवाई है, मैं यूज़ करती हूँ, ये 2-3 माह निकल जाएंगे इसमें आराम से। तो ये थी कल जो है आज की शॉपिंग जो ये लेके आए हैं,
यहाँ पे मैं आपको ये हेयर मास्क दिखाती हूँ मेरी सिस्टर्स वगैरह को। ये बड़े अच्छा हेयर मास्क भी है जी, इनका शैम्पू और ये कंडीशनर ज़बरदस्त है। ये हेयर मास्क है, पहले मैं हेयर मास्क यूज़ करती थी इनका ब्रीमोड वालों का, बस ओके ही था। ये बहुत अच्छा है, शैम्पू भी अच्छा है, कंडीशनर भी अच्छा है। अगर किसी मेरी सिस्टर ने यूज़ करना हो तो लाजमी ट्राई कर लें, बहुत अच्छी हैं चीज़ें। साहब हैं, इनसे मिलिए, ये यासीन साहब हैं और ये जो है ना कम कम नज़र आ रहे हैं आजकल, मिलते नहीं हैं क्योंकि आजकल छत पे ज़्यादा जाता है, गुड़ियों के चक्कर में रहता है, या इसके पास मोबाइल है तो ये वो देखता है, ये जब भी फ्री होता है भाग जाता है ऊपर। हाँ यासीन, सलाम करो। कैसे हो यासीन जी? ठीक ठाक। सारी आंटियाँ जो है ना बाजियाँ आपको पसंद करती हैं जी। थैंक यू। और उनसे मिले जी, वो हैं फहीम साहब जी। जी मैं भी आपसे मिल लेता हूँ, शुक्रिया। ए सिस्टर एक है ना शाजिया मान, मेरे घर में थी, वो बड़ी तारीफ कर रही थी आपके ब्लैक सूट की, जो फहीम अंकल को बहुत अच्छा, फहीम भाई को बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्रिया। मेरे मुंह से अंकल निकलता है, बच्चे बोलते हैं इस पर मैंने भी अंकल कह दिए, सॉरी है उसके लिए। कोई बात नहीं, वो आपको आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा, मेरी तारीफ क्या करते हैं? तारीफ उस खुदा की जिसने सबको बनाया, सबको बनाया, और आपके ब्लैक सूट की थी। अच्छा अच्छा, चलो शुक्रिया आपके देखने वालों का और सजेस्ट करने वालों का। और बस आज की रूटीन यही थी, पिंडी से होके आए हूँ, रश बहुत था क्योंकि ईद से पहले पहले जो है ना बाजारों में भी रश ज़्यादा हो गया, तो कई लोग शॉपिंग ईद से पहले कर लेते हैं। मेरे देखने वाले जो है ना वो बहुत अच्छे हैं सारे, मेरी बहनें मेरे भाई जो भी देखते हैं सब अच्छे हैं, वो सब की तारीफ करते हैं। नहीं जहर एक असल फसाद फैमिली की तरह है कि बढ़ते जा रहे हैं, और वीडियो पूरा देखा करें सारे, बड़ी मेहनत होती है हमारी सबकी। हाँ प्लीज वीडियो जो है ना वो यूट्यूब कैरियर 3 मिनट और कुछ सेकंड के लिए वीडियो सारे वो निकालिए परसेंटेज, तो प्लीज फुल वीडियो देखा करें, इसके लिए मेहनत होती है, सोचना पड़ता है क्या बोलूं, कि कई दफा नहीं बोलना मैं बीच में छोड़ भी आपके साथ सच ही शेयर करते हैं, कोई ऐसा नहीं बना, कोई फेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो है सब जो कुछ है हम सामने सच है, जो हमारे कई लोग तो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ झूठ भी होता है ज्यादातर, तो क्रिएट भी करते हैं कोई चीजें ऐसी बना के, मतलब जो कुछ है वही है, शुरू से बनाया भी इसी मकसद के लिए था कि इस तरह भी लाइफ लोगों की होती है, इस तरह बच्चों के साथ गुजारा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ तो ऐसे भी अल्लाह को भी हेल्प करता है। जी जी ऐसे भी रहा जाता है, जैसे मैं रह रही हूँ किसी को महसूस ही नहीं होता कि मैं, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं इतनी परेशानियों में अटेंड, मैंने सारी लाइफ ऐसे ही गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह करके गुजारी है कि अल्लाह पाक को जो मंजूर है। तो बाकी फहद मोहम्मद फहद ने लिखा था जी कि हसीब को कि ऑफ कैमरा बातें जो है ना हमसे मच पाया करें, सामने रखा करें। फहद हसीब जो बातें ऑफ कैमरा करता है ना वो हम हंसी लेते हैं, आप सुन नहीं सकते, वो मैंने कई दफ़ा कहा है कि वो अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अचानक शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसके लिए माजरत। इस जो भी उसकी अच्छी बात होती है मैं हम कोशिश करते हैं, जो भी वो हंसी मजाक वाली होती है वो अगर हम शुरू कर दें इस तरह का मटेरियल डालने तो शायद वायरल भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, बारह वो नहीं है, अच्छा नहीं लगता ज़रा, वो सही नहीं है, वो बस अचानक कुछ ना कुछ गलत बोल जाता है, तो बस इसी तरह ही है। बस देखा करें आप व्लॉग, देख रहे हैं शुक्रिया, मज़ीद आगे भी शेयर किया करें और लोग भी ताकि ऐड हों, तो ताकि हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए और व्यूज़ ज़्यादा आए, तो लगे मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी आप लोगों की सपोर्ट होगी और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह हमारा चैनल इंशाल्लाह कामयाब होगा। इतने अच्छे जो है ना कि आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आप सब इतने अच्छे हैं, सारे इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, दिली खुशी होती है। बहरहाल मैं मेंटली तैयार हूँ, कोई जो नहीं सही बैड कमेंट के लिए भी रेडी हो, ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर बात है जब सोशल मीडिया पे आई हूँ तो हर चीज़ होगी सामने, हर चीज़ आएगी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो आप मुझे कहें मैं उस पर अमल करूँ, क्योंकि जाहिर बात है आप फैमिली की तरह हैं मेरे साथ, और मैं एक एक बंदा मुझे अब याद होता है कि किसने कमेंट किया है, किसने क्या कहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मेरे अपनी फैमिली के लोग हैं सारे ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप जो है ना ये ज़रूर देखा करें, फुल मेरा व्लॉग देखा करें,
अगर नहीं देख नहीं ना टाइम होता तो चढ़ा दिया करें क्योंकि चले तो फूलना, कि उसका भी हमें कोई बेनिफिट मिलता है, कमेंट का मिलता है, हर चीज़ का होता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, जो घर की रूटीन की सारी वो मैंने आपको दिखाई है, बच्चों से मिलवाया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।